हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत 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 ही अच्छे होंगे। तो आज हम पपीज़ को लगाने जा रहे हैं वैक्सीन, और पपीज़ हो चुके हैं 45 डेज़ के। वीडियो में थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ दोस्तों। वीडियो थोड़ा लेट हो गई है क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा टाइम नहीं था और थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है। सर्दियों का मौसम वैसे ही है, थोड़ा सा वैसे भी प्रॉब्लम चल रही है। और ये वैक्सीन मैं लेके आया हूँ मार्केट से, और 8 पपी हैं। 8 पपी को वैक्सीन लगनी है। वैक्सीन कौन सी लाया हूँ, कैसे लगनी है, क्या रूट होगा और क्यों लगानी चाहिए, वो मैं सब आपको बताता हूँ। आप सभी जानते हैं कि जैसे कि हम कोई भी पपी को घुमाने इधर उधर लेके जाते हैं, या आपके घर में बड़े और छोटे डॉग इकट्ठे हैं, उन डॉग्स को जब घुमाने लेके जाते हैं तो वो अपने साथ पंजों में, नाखून में इन्फेक्शन लेके आते हैं। और इन्फेक्शन लेके आते ही जैसे ही पपी उनके संपर्क में आता है, वैसे ही वो बीमार हो जाते हैं। और ये पहले मैं इसको खोल लेता हूँ। कुछ इस तरह से आपने वैक्सीन लेके आनी है। वैक्सीन के साथ आइस का पैकेट जरूर होना चाहिए। वैक्सीन की जो टेम्परेचर है वो आपको मेंटेन रखना ज़रूरी है। आप ऐसी जगह से लीजिए वैक्सीन कि जहाँ फ्रिज पे इन्वर्टर से भी फ्रिज चलता हो, कि लाइट जाए तो इन्वर्टर पे चले, जहाँ पे आपको विश्वास हो। कई बार क्या होता है कि वैक्सीन हो जाती है एक्सपायर, हम लगा देते हैं पपी को वैक्सीन और वो वैक्सीन काम नहीं करती, और बाद में पपी को अलग-अलग बीमारियां हो जाती हैं, जैसे पारो वायरस हो गया। सबसे ज़्यादा तो पारवों की दिक्कत आती है। पारवों की भी रिकवरी है, ऐसी बात नहीं है, मगर वो बीमारी इतनी गंदी बीमारी है ना, जिसका नाम लेने से भी हम लोग ब्रीडर डरते हैं कि भाई नहीं। तो ये वैक्सीन मैं लेके आया हूँ, वैंगार्ड की वैक्सीन है, 13-in-1 ये वैक्सीन है, और इसके सेट लाया हूँ। आप इसको देख लीजिए। आई थिंक सो ये मार्केट में आपको 1600 के आसपास की मिलेगी ये वैक्सीन। और आप 9-in-1 लगवाना चाहते हैं 9-in-1 लगवाइए, 7-in-1 लगवाइए, 6-in-1 लगवाइए, मगर प्रेफर मैं 13-in-1 को करूँगा कि 13-in-1 आप लगाइए। आपकी बाकी पॉकेट जहाँ अलाउ करती है वहाँ पे आप लगा सकते हैं, उतने ही पैसे वेस्ट कर सकते हैं। वेस्ट क्या है ये भाई, ये तो वेस्ट नहीं कहूँगा, सॉरी वेस्ट नहीं, ये पैसा आपको भाई आपके पपी की जान बचाएगा। ये वैक्सीन जो आप लगवाएंगे वो पपी की जान बचाएगा। पहली वैक्सीन आप कई लोग नहीं करते, ज़्यादातर नहीं करते। 32 डेज़ पे, 28 से 32 डेज़ पे आप पहली वैक्सीन पपी डीपी जरूर लगवाइए, ताकि उसकी इम्यूनिटी जो है सिस्टम वो सेट हो जाए। और उसके बाद 42 डेज़ से लेके 49 डेज़ तक आप लगा सकते हैं फर्स्ट वैक्सीनेशन, ठीक है। उसके बाद आप लगाएंगे वैक्सीनेशन सेकंड, जो कि रिपीट होएगी, यही वैक्सीन रिपीट होएगी 21 डेज़ के बाद, ठीक है फ्रेंड्स। तो वैक्सीन को आप ध्यान से देख लीजिए। ये जो मेरे हाथों पे आपने पंजों के निशान देखे ना, ये बच्चों के हैं। ये जो बच्चे हैं ना हमारे, बड़े ही शरारती हैं भाई, बहुत तंग करते हैं। तो हाँ, मैं बता रहा था कि जैसे आप लेके जाते हैं दांतों के जरिए, लार के जरिए, नाखून के जरिए, वो बैक्टीरिया अपने साथ लेके आते हैं, और उस वजह से पपीज़ को प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि पपी की इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो हेल्दी नहीं होता, ठीक है। और अगर आप वो ज़्यादातर होता क्या है कि पपी जब 30 दिन का हुआ तो हाँ जी सेल के लिए निकाल दिया, उसको दूध ही नहीं मिला माँ का, तो 35 डेज़ पे, 30-35 डेज़ पे सेल हो गया, दूध नहीं मिला तो उसका इम्यूनिटी सिस्टम नहीं बना, है ना। तो माँ के दूध को छुड़वाने से पहले वैक्सीन ज़रूरी है। अभी मम्मी इनकी इन्हीं के साथ है। और वैक्सीन क्या करती है ये दोस्तों, नीचे वाला वैक्सीन काम करती है इम्यूनिटी सिस्टम को हल्के ढंग से उसको तेज करती है, धीरे 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 उसको तेज करेगी, सब कट लगनी है या तब वो लगती जो है उसके हाथ अंदर पे किसी को। एंटीजन होते हैं ना, उसको पहचान पाते हैं। अगर डॉग असल में बीमारी के संपर्क में आता है, उस तो उसके इम्यूनिटी सिस्टम से उसको पहचाना जा सकता है कि हाँ भाई ये डॉग बीमार हो रहा है, लूज मोशन करेगा, वॉमिटिंग करेगा या सुस्त हो जाएगा, है ना। तो
तो उसको जितने भी ये प्रॉब्लम है ये वैक्सीन उसके प्रभाव को कम कर देती है ना। तो वैक्सीन का क्या है, वैक्सीन ज़रूरी लगानी है भाई आपने, और वैक्सीन लगाने के फ़ायदे भी बहुत है, लगानी भी चाहिए। बल्कि अमेरिका के लोग जो भी हॉस्पिटल है, वेटनरी हॉस्पिटल है, 5 वैक्सीन को लगाना बहुत ज़रूरी समझते हैं। कैनिन डिस्टेम्पर, ठीक है, कोनाइन पारवो वायरस, ठीक है, रेबीज का है ना दोस्तों, और इसमें एक और है उसका नाम नहीं ध्यान आ रहा, आई थिंक सो लेप्टोस्पायरोसिस है, ऐसी कुछ है। तो ये सब कुछ है, ये वैक्सीन इसके अंदर हो जाता है। तो डॉग फ्लू वगैरह के लिए भी ये वैक्सीन काम करती है ना। तो ये अभी आपको लगानी कब कब है, ये लगानी है आपको 42 डेज से लेके 49 डेज के बीच बीच में कभी भी लगवा लो, देखो इंजेक्शन कितना है ना। उसके बाद 21 दिन के बाद इसे रिपीट कर दो, ठीक है, उसके बाद 3 मंथ पे लगवाओ, फिर उसके बाद 6 मंथ पे, जो रेबीज का इंजेक्शन है वो लगेगा 6 मंथ पे, ठीक है। तो ये पपी को वैक्सीन लग रही है, ये आप सभी लोग देख रहे हैं, और पपीज हेल्थी हैं, सभी एक्टिव पपी हैं, शानदार अच्छे कोट के पपी हैं। तो वैक्सीन के बारे में तो दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया है कि वैक्सीन क्यों लगवानी है, और लगवानी बहुत ज़रूरी है ना। वीडियो लंबा है, लेकिन ये आई थिंक सो कि आपको बहुत ही बहुत 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 हेल्प करेगी ये वीडियो ना आपको, पपी को वैक्सीन क्यों लगाएं, कैसे लगाएं, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों इन सभी चीज़ों को। आजकल कोरोना वायरस भी चल गया है, इसमें जो मैं लगवा रहा हूँ 13 in 1, इसमें कोरोना वायरस है, कैनिन डिस्टेम्पर है ना, हेपेटाइटिस है, रेबीज, ये सब कुछ है, बहुत कुछ है इसके अंदर, रेबीज तो नहीं है। नेक्स्ट, तो ये लगवानी बहुत ज़रूरी है भाई, सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन जिन के पास पपी है, जो जो डॉग ब्रीडर भाई लोग हैं। तो बदलता हुआ मौसम है भाई, भगवान करे भी सभी के पपी हेल्दी हों, सब बढ़िया रहे, है ना। और हाँ, सबसे पहली बात, बहुत ज़रूरी, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, 3 से 4 5 हद से हद 5 दिन पहले आपने पपी की डिवॉर्मिंग करनी ज़रूरी है। पपी की डिवॉर्मिंग के बाद ही वो वैक्सीन लगेगी, है ना। तो इसीलिए पपी को डिवॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। और इस अगर आपकी वैक्सीन अगर काम नहीं करती तो उसके लक्षण क्या होते हैं, देखो कुत्ते को उल्टी आ जाएगी, दस्त लग जाएंगे, बुखार हो जाएगा, मुंह में सूजन, वो स्वेलिंग से आ जाती है ना, वो हो जाती है। तो इसका मतलब वैक्सीन ने काम नहीं किया, है ना, ये साइड इफेक्ट हैं इसके वैक्सीन के। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, और इसके जो वो है अपना ध्यान रखने वाली बातें क्या क्या है वो तो आपको पता ही है ना। टीका लगने के बाद कुछ कुत्ते को आसानी से पचने वाला खाना, जैसे कि अपना ये हो गया दही होगी, है ना, कर्ड दे दी उसको, है, और एक हफ्ते के तक कोई नहलाना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी मुझे नहीं पता लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन एक हफ्ते के तक इंजेक्शन के बाद नहीं नहलाना चाहिए, है ना। तो भाई लोगों, यही है वीडियो, और मेन मोटिव मेरा यही था कि सारे के सारे अपना वैक्सीन लगवाएं, वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। और मैंने वीडियो इसीलिए बनाई है भाई कि हाँ भैया, जो छोटे छोटे भाई हैं जो प्लस टू करके, जिनको शौक है स्पेशल जर्मन शेफर्ड के, हम तो कीड़े हैं भाई, जर्मन शेफर्ड या तो बस पूछो मत, कि जहाँ जर्मन शेफर्ड अगर कहीं वैसे भी घूम रहा होगा ना, किसी ने घर पे पाला हुआ घुमा रहे हो या वैसे भी घूम रहा हो, तो हम वैसे ही गाड़ी रोक लेते हैं, बाइक रोक लेते हैं अपनी, कि भाई भाई देखते हैं भाई, पूछते हैं इनसे क्या है क्या नहीं है, और उसको टच करके और अपना अच्छे से घुमा के देखते हैं, डर भी नहीं लगता खैर कि। और जर्मन शेफर्ड ही एक ऐसा डॉग है कि जो गार्डिंग पर्पज़ से भी शानदार, फैमिलियर भी है,
और अट्रैक्टिव भी है, अलर्ट भी है, सब कुछ है इसके अंदर ना, जर्मन शेफर्ड के अंदर। एक जर्मन शेफर्ड ही ब्रीड को मैं ऐसा ही मानता हूँ जो आपके परिवार में भी रह सकती है, आपके फार्म हाउस पे भी रह सकती है और आपके साथ वर्कआउट भी कर सकती है। ये वर्किंग है, वर्किंग लाइन के डॉग हैं और इनको वर्कआउट भी ज़रूरी है, बोले तो इनको खुला रहना पसंद है, है ना। बाकी आप वीडियो तो आप सभी लोग देखते हैं, किसको क्या पसंद है, जर्मन शेफर्ड में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो जर्मन शेफर्ड के लिए मेन है कि आप सुबह शाम उसको सैर कराएं, बच्चे को नहीं, जब वो 4-5 मंथ का हो जाए उसके बाद उसको सैर कराना शुरू कर दें। 4-5 मंथ तक तो आपकी अटैचमेंट बनेगी उसके साथ, जो भी आप बोलेंगे सुनेगा, आप उसको कमांड दोगे, कमांड सिखाओगे तो ये वैक्सीन होगी डन। तो भाई ये दो दो करके पपी नीचे आ रहे हैं, दो दो करके ऊपर जा रहे हैं। तो भाई लोगों, सबसे मेन बात ये है कि वैक्सीन ज़रूर लगाएं। और दूसरा, पपी रह गए फीमेल पपी सिर्फ 3, बाकी मेरे सारे बुक हो चुके हैं और वो अब 2-4 दिन में 5 दिन में जैसे ही वैक्सीन उनको असर करेगी तो ये अपने अपने स्वीट होम के लिए निकल जाएंगे, है ना, एक एक करके। तो भाई YouTube पे प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इतने सब्सक्राइबर करने के लिए भी धन्यवाद। आप सभी सब्सक्राइबर भी बढ़ा दीजिए और वह क्या बोलते हैं, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछिए, डिलीवरी से रिलेटेड, बच्चे से रिलेटेड, क्या खाना देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, है ना। मैं सभी कुछ बिल्कुल जैसे मैं खुद करता हूँ वैसे ही बताऊँगा, कोई नहीं, कोई ये किसी का सुन के किसी का वो करके नहीं, जैसे मैं रियरिंग करता हूँ। और मेरे जो डॉग्स हैं बहुत ही हेल्दी है और इनकी मदर जो है लास्ट टाइम बहुत अच्छा विनिंग करी थी उसने, अरे नहीं लगती यहाँ पे लास्ट टाइम ओल्ड शो में और सारे केसीआई के शो मैंने तकरीबन अपने अटेंड किए थे, लखनऊ तक के, दिल्ली, लखनऊ, पटियाला, है ना, और पंजाब के कुछ लोकल शो भी अटेंड किए थे ताकि वो उसकी प्रैक्टिस हो जाए। मोटिव हमारा जीतना नहीं है, मोटिव ये है कि हमारे पास क्या चीज़ है वो दिखाना है कि भाई हमारे पास ये ब्लड है और ये ब्लड ऐसे चल रहा है, देखो। तो ऊपर थोड़ा नहीं तो थोड़ा साइड साइड जो है उसका वो टाइसन बोम क्वार्टर बुश है, है ना, बहुत अच्छी लाइन है और ये लास्ट पपी आई थिंक। तो 3 पपी जो बचे हैं दोस्तों, 3 पपी मैंने बिल्कुल शो क्वालिटी के पपी रखे हुए हैं, जिसको भी शो करना है डॉग अपना, वो अपना मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, उसको अच्छे, अगर वो मुझे प्रॉमिस करता है कि हाँ भी शो करूँगा तो मैं अच्छे रेट पे उसको पपी दे दूँगा। और जो मेरे पपी का रेट है मैं सरेआम बताता हूँ भाई, 50,000 की मीटिंग फ़ीस है, ठीक है, हाँ 60,000 की भी है, 50 की भी है, लेकिन जो है मेरा भाईचारा वो मैं साफ बोल रहा हूँ कि 50,000 की मीटिंग फ़ीस है और 50,000 की मीटिंग फ़ीस के बाद 50,000 का बच्चा तो जाता जाना आपको पता है कि भाई 2 महीने तक बच्चे की रेयरिंग करना, है ना। तो 50,000 के मैंने बच्चे सेल किए हैं, लेकिन अगर कोई बंदा मेरे को ये बोले कि हाँ भाई मैंने अच्छे से डॉग शो करना है इसे और इस शो में हर शो में मैंने उतारना है, जहाँ जहाँ उसके पॉकेट है, जहाँ जहाँ वो उसके शो में जा सकता है, अच्छे केसीआई के शो में और लोकल शो में तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए चलाए उनको, ठीक है, तो उसको मैं बहुत ही अच्छे डिस्काउंट रेट पे पपी दूंगा, बहुत अच्छे डिस्काउंट रेट पे। 3 पपी हैं, तीनों शो क्वालिटी के पपी हैं और पपी को मैं अभी आपको एक स्टैक की फ़ोटो भी लास्ट में डाल दूँगा, जो कि ब्यूटीफुल पपी है ना। और भाई वो मेरे को कांटेक्ट कर सकता है और बाहर से भी कभी, ये कई दोस्तों के कमेंट भी आते हैं, कईयों के फ़ोन भी आते हैं, भैया मेरे पास लीटर हो रखा है, मेरे बच्चे सेल करवा दो। तो भाई सॉरी, मैं बाहर से ना तो कभी पपी उठाता, ना ही कभी पपी किसी को बेचता, ना ही किसी को ये बोलता कि भाई वहाँ से ले ले, वहाँ से ले ले। हाँ, उसका मन है, आप देखो परखो और फिर आप ले सकते हो, है ना।
उसकी ब्लड लाइन चेक करो, मदर साइड चेक करनी बहुत जरूरी है। हिमालय का ड्राई बात मदर साइड जिस डॉग की स्ट्रॉन्ग होगी तो ये उत्तराखंड बच्चे में कोई फॉल्ट नहीं आने वाला, उत्तराखंड पूरी है ना। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि चारों पैरों से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बच्चा, समझे हो, है ना। आई कलर उनका डार्क होना चाहिए, बहुत सारी बातें हैं, है ना। HDD की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, मदर साइड में कोई इफेक्टिव ना हो, बस कोई प्रॉब्लम ना आती हो, बस मेन तो यही होता है। एक बच्चा लेते समय बातें ध्यान रखने का, फादर तो हम देख लेते हैं लेकिन हम लोग मदर नहीं देखते, मदर की लाइन नहीं देखते, तो एक को डबल लगा और दी ना। ये नहीं देखते कि ये लाइन ब्रीड हुआ है, क्या ओरिजिनल पेपर है, है ना। तो पेपर के सुनो, एक डिब्बी में से 2 ml निकल गई थी ना, 2 साल की नहीं होगी तब तक आप ब्रीड नहीं कर सकते। काम करेगी या दो की लगाई थी वो काम करेगी ना। और जिसकी फीमेल 2 साल की नहीं है उससे पपी लेके कोई फायदा भी नहीं है। वो वैसे तो मैं खैर दूसरी भी आप लोग लगा देना पड़ी दो यार, पर पेपर आपको 2 साल से पहले फीमेल के नहीं बन पाते, है ना। ये भी 2 साल होना चाहिए, फीमेल भी 2 साल तक की होनी चाहिए, 22 महीने तक, है ना। 22 महीने की फीमेल होगी आप उसको ब्रीड कर सकते हो, तभी KCI का ये रूल है। KCI उसको तब जाके पेपर अप्लाई करवाता है, अदरवाइज वापस भेज देता है। मेरे 1 लीटर में प्रॉब्लम आई थी, मर्द का दर्द, सिर्फ 5 दिन छोटी थी, मेल है ना, 22 महीने होने में 5 दिन छोटी, KCI ने वापस भेज दिए थे, तो वो पेपर मैंने अप्लाई नहीं कर पाया, तो मेरे को नॉर्मल रेट में भर लो गई तो बॉडी में है, उसको भी भर लो। दोस्तों बने रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद प्यार देने के लिए, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ये आप टाइप देख लो।